हाय ऑल, दिस इज अंजलि। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर लूप और ज्यादा, जो हमने पिछली वीडियो में करा था फॉर लूप थोड़ा बहुत। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। सो ये इटरेशन एंड रिपीटेशन कंट्रोल्स का पार्ट है, जिसमें दो लूप्स आप पाइथन में करते हो, फॉर एंड व्हाइल। सो लास्ट वीडियो में हमने ये किया था कि फॉर लूप क्या होता है एंड फॉर किस तरह से वर्क करता है, रेंज का क्या पर्पस होता है। सो वी विल जस्ट रिवाइज दैट हियर and we'll be doing a few programs with for loop, ताकि आपको for loop का concept और ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। So what all we are going to cover here is three programs, और वो तीन programs आपके जो हैं वो क्या हैं, you have to input n numbers and find the sum. So it's find sum of a series of numbers, that is take the numbers from the user, आप user से पूछोगे कि कितने numbers आपको चाहिए और उतने numbers input करके उनका sum निकालेंगे। Then we'll be doing a program for factorial of a number. So, उसके बाद हम करेंगे greatest of n numbers. कि users ने n numbers input किए और अब बताना है कि उसमें से सबसे बड़ा number कौन सा है। So, to start with, सबसे पहले हम revise करते हैं हमने loop में क्या-क्या किया था। So, if you remember, for loop में आपने क्या किया था कि अगर आपको कोई भी चीज़ को repeat करना है, so you write for and obviously caps lock should be off for that. So we write for and for के बाद आप किसी भी variable का नाम लिख सकते हो। For example, मैंने लिखा for a in range। मुझे क्या करना है, numbers show करने हैं 1 से लेकर 10 तक। अब 1 से लेकर 10 तक numbers show करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ तो वो क्या show करेगा, क्या वो show करेगा 1 से 10 तक? नहीं, वो क्या show करेगा, वो show करेगा 0 से 9 तक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अभी a को प्रिंट कराते हैं और इसको हम रन करते हैं, if I run this, it is going to print numbers from 0 to 9. मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह 1 से 10 कर सकते हो, उसके लिए हमें रेंज में दो नंबर्स देने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हो लास्ट नंबर जो प्रिंट हुआ है 9 और उसने शुरू किया होगा 0 से ही, हमने लास्ट टाइम भी किया था। इफ आई वॉन्ट कि 1 से प्रिंट करना शुरू करे तो मुझे स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दोनों देना पड़ता है। सो अगर आप अभी देखते हो यहाँ पर आउटपुट में, सो आप देख सकते हो कि जो नंबर्स हैं वो जीरो से प्रिंट होने शुरू हो रहे हैं, यू कैन सी इट्स फ्रॉम जीरो। लेकिन अब मैंने 1,10 दिया और रन किया तो वो अभी नंबर्स प्रिंट करेगा 9 तक, लेकिन जो शुरू हुआ है वो जीरो से नहीं हुआ, वो 1 से हुआ है। सो 1 से स्टार्ट करके उसने 9 तक प्रिंट किया, क्योंकि जो लास्ट नंबर हम देते हैं वो उस नंबर को प्रिंट नहीं करता। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप एक ज्यादा दो। तो अगर मैं 1,11 दे रही हूँ, दैट मीन्स इट शुड प्रिंट फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, अब इसको मैंने रन किया, सो ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा है। सो इतना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस तरह से हम स्टार्टिंग और एंडिंग डिसाइड करते हैं। अब इसी चीज में एक तीसरी चीज भी होती है, वो होता है स्टेप। मतलब आपको हमेशा 1 से इंक्रीज नहीं करना, जैसे इसमें हम हमेशा 1 से इंक्रीज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 1 से ही इंक्रीज करता है, पर आप चाहो तो किसी दूसरे नंबर से भी इंक्रीज कर सकते हो। और वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 2, सो वी हैव स्टार्ट, वी हैव स्टॉप एंड देन वी हैव स्टेप। तीन चीजें हमने दी, स्टार्ट करना है 1 से, 11 आने पे स्टॉप हो जाएगा, और हर बार स्टेप कितने से करेगा, 2 से, तो ये प्रिंट करेगा 1, 3, 5, 7, 9 और 11 पे स्टॉप हो गया। So it shows you 1, 3, 5, 7, 9. अगर आपको कहा जाता कि even numbers print कराओ, even numbers print कराओ, तो आप 1 की जगह 2 से start कर दो। तो जब वो start ही 2 से करेगा, so 2 plus 2 will be 4, 4 plus 2 will be 6 and so on. So it will print 2, 4, 6, 8, 10. So we can increase by any number, किसी भी number से आप कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो decreasing order में भी ले सकते हो, जैसे मुझे 20 से 12 तक print करना है, decreasing by 2. So I have to give her minus 2 instead of plus 2. So 20 से 11 तक जाना है और हर बार decrease करना है 2 से, तो आपको minus 2 लिखना पड़ेगा। So आप देख रहे हो यहाँ पर उसने प्रिंट किया 20, 18, 16, 14 and 12. जब 11 आया, मतलब जब 10 आया तो 11 के बाद है, इसलिए it will stop, it will not repeat further. So that's how for में हम use कर सकते हैं starting position, ending position and the step, कि कितने से आपको increase या डिक्रीज करना है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है।
अब अगर ये पॉइंट क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि यू हैव टू इनपुट एन नंबर्स फ्रॉम द यूजर. सो इनपुट एन नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड देयर सम. सो आपको 10 नंबर्स, 10 नहीं एन नंबर्स यूजर से पूछना है कि कितने नंबर्स चाहिए. जितने भी नंबर्स यूजर बोलेगा उतने इनपुट करवाने हैं और उसके बाद मुझे उनका सम प्रिंट करना है. फाइन. सो पहली चीज मैं क्या करती हूँ, मैं n पूछ लेती हूँ यूजर से. अब जो n है वो आपका इंटीजर है, सो यू हैव टू राइट int. तो आपने क्या लिखा, n int input, और क्या पूछा, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर. जो भी मैसेज आप पूछना चाहते हो दैट्स अप टू यू. ओके, सो मेरे पास आ गया कि नंबर्स कितने हैं. अब जो लूप है वो उतनी बार चलना चाहिए. अब अगर मैं आपको ही बोलूँ कि मैं कुछ नंबर्स बोलने वाली हूँ और आप उसका सम करो, सो हमारी नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी भी क्या है कि अगर मैंने 8 बोला है तो आप पहले अपने दिमाग में 8 रख लोगे. फिर मैंने बोला 4 तो आप उसी 8 में 4 ऐड करोगे ताकि आपके पास अब दिमाग में 12 हो. फिर आपने बोला 5 तो आप 12 प्लस 5 17. ऐसे जो भी हमारे पास पिछला सम है उसमें हम नया नंबर ऐड करते चले जाएंगे. हम ये नहीं सोचते कि पिछला नंबर मतलब पिछले सारे नंबर्स क्या थे, वो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको कि पिछले सारे नंबर्स क्या थे. आप हमेशा पुराने सम में नए नंबर को ऐड करते रहोगे ताकि आपके पास नया सम आता रहे. तो यहाँ हम प्रोग्रामिंग में इनिशियली अज्यूम कर लेते हैं कि सम कितना है, 0. अब एक लूप ले लेते हैं, लाइक फॉर ए इन रेंज एन. सो ये लूप एन टाइम्स चलेगा, 0 से एन माइनस 1 तक, पर चलेगा तो एन टाइम्स. तो अगर 5 इनपुट हुआ तो ये लूप चलेगा 5 बार. अब यहाँ पर मैंने एक नंबर इनपुट करवाया, कैसे, मैंने लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर. ठीक है, नंबर इनपुट हो गया. उसके बाद एंड में मुझे क्या चाहिए, सम प्रिंट कराना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज, और सम की वैल्यू को प्रिंट करा दिया. अब आप ये सोचोगे कि इसमें सम में हमने कुछ किया तो है नहीं, तो सम की वैल्यू क्या आएगी. बिल्कुल सही, सम की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमने सम में कुछ इनपुट किया ही नहीं है, हमने कुछ ऐड किया ही नहीं है. तो आपने सम इनिशियली 0 लिया था, फिर पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, ये आउटपुट आ रहा है. मैंने बोला देयर आर 3 नंबर्स, फिर वो पूछेगा एंटर अ नंबर, आई एंटर 90, आई एंटर 56, आई एंटर 45. 3 नंबर्स इनपुट हुए एक एक करके. ठीक है, नंबर्स 3 इनपुट हुए लेकिन सम तो अभी भी 0 आया क्योंकि वो जो नंबर्स आपने इनपुट किए हैं वो सम में ऐड तो कहीं हुए ही नहीं. तो वो हम कहाँ ऐड करेंगे, वो हम करेंगे ऐड यहाँ पर. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो सम प्लस इक्वल टू नम. प्लस इक्वल टू का मतलब होता है सम इज इक्वल टू सम प्लस नम. तो आप इसको पूरा भी लिख सकते थे सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल टू नम. सो इट विल ऐड द वैल्यूज. एंड नाउ इफ यू रन दिस थिंग इट आस्क्स यू हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. आई से 4 नंबर्स आर देयर. मैंने एंटर किया 50, 23, 80, 45 एंड व्हाट आई गेट द सम इज 198. आप ऐड करके देख सकते हो ये सम वही होगा. सो इट्स 50, 73, 73 इज 153 एंड 198. सो दैट इज द सम. तो वो कर कैसे रहा है कि जब आपने नंबर्स इनपुट किए, सम इनिशियली 0 था, पहला नंबर एंटर किया मैंने 50, तो सम में था 0, 0 प्लस 50, सम की न्यू वैल्यू 50 हो गई. फिर है 23, सो दूसरा नंबर ऐड किया, 50 तो था ही सम में, अब 50 प्लस 23 73 हो गया. तीसरी बार लूप चला तो सम तो 73 हो चुका था, नंबर एंटर हुआ 80, 73 में 80 ऐड हुआ, वापस सम में स्टोर हो गया, तो सम की न्यू वैल्यू हो गई 153. अगली बार 45 भी उसी में ऐड हो गया, इट बिकम्स 198. लूप खत्म हुआ, बाहर आए और सम की वैल्यू प्रिंट की जो कि 198 है. ओके, सो दिस इज हाउ we can accumulate the result. हम result को एक variable में इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद उसे print करा सकते हैं. Fine, so this is sum of n numbers. I hope this is clear. आप इसको अपने system पे run करके देख सकते हो, समझो step by step कैसे चल रहा है. अब ऐसे ही हम एक next code करेंगे. So that next code is going to be to find factorial of a number. Now, what is factorial of a number? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज, जैसे अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो बेसिकली आपको 5 से 1 तक सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने होते हैं. सो
सो इट्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1. 6 का चाहिए तो 6 इंटू 5 इंटू 4 एवरीथिंग टिल 1. सो इनपुट अ नंबर. अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल. एंड यहां पर आप उससे पूछोगे एंटर द नंबर. सो हमने यूजर से पूछा एंटर द नंबर, वो एन में आ गया. अब मुझे यहाँ सम नहीं चाहिए, मुझे फैक्टोरियल चाहिए. और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इनिशियली मान लेते हैं कि फैक्टोरियल जो है मेरा वो वन है. ठीक है, फैक्टोरियल वन है. अब लूप चाहिए जो नंबर से शुरू हो और वन तक जाए. तो मैंने ले लिया एन कॉमा जीरो कॉमा माइनस वन. तो जीरो के लिए तो वो चलेगा नहीं. ठीक है, वो शुरू होगा एन से. तो अगर एन फाइव है तो वो शुरू होगा फाइव से, डिक्रीज होके फोर होगा, फिर डिक्रीज होके थ्री होगा, टू होगा, वन होगा. जब जीरो होगा तो लूप रुक जाएगा. सो यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो मैंने यहाँ लिखा फैक्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, मतलब ए में जो भी है उसको फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो भी लास्ट में रिजल्ट होगा वो हम लूप से बाहर आकर प्रिंट करेंगे. सो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज वी हैव टू प्रिंट द फैक्टोरियल. सो हाउ विल इट वर्क. आपके पास मान लो नंबर फाइव इनपुट हुआ है. सो लूप है फाइव, फैक्ट में वन था, वन इंटू ए दैट इज वन इंटू फाइव इज फाइव, फैक्ट में वापस फाइव स्टोर हो गया. यहाँ आने से ए की वैल्यू फोर हो जाएगी, फिर वो अंदर आएगा. फैक्ट में अब पिछली बार फाइव हो गया था, इस बार ए में फोर है. सो फाइव इंटू फोर ट्वेंटी, वापस फैक्ट में स्टोर हो गया. सो फैक्ट इज ट्वेंटी. देन ये थ्री हो गया, फैक्ट में पिछली बार ट्वेंटी था, ए अभी थ्री है. ट्वेंटी इंटू थ्री इज सिक्सटी, तो फैक्ट की वैल्यू सिक्सटी हो जाएगी. फिर सिक्सटी इंटू टू इज वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी इंटू वन इज वन ट्वेंटी. एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ द लूप यू गेट द फैक्टोरियल प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, जो कि वही होगा जो भी हमने कैलकुलेट किया है. सो इफ आई गिव फाइव आई गेट वन ट्वेंटी. If I want something else, मैंने run किया, 6 का factorial होता है 720, 4 का होता है 24, ठीक है, इससे ऊपर का मुझे भी याद नहीं है, but आप enter कर सकते हो number and you can get the factorial of that. So this is the factorial for 8. So likewise, we can get the factorials. So this is how you use loops for performing calculations like this. ठीक है, I hope आपको ये दो programs समझ आए होंगे. अब जो तीसरा प्रोग्राम मैंने वहां पे लिखा था दैट इज टू फाइंड ग्रेटेस्ट ऑफ एन नंबर्स, वो मैं नहीं करूंगी फिलहाल. आप उसे ट्राई करोगे, इफ यू नॉट एबल टू सॉल्व इट देन वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आपको क्या करना है, आपको यूजर से पूछना है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, जैसे मैंने सम वाले में पूछा था. फिर आप वो नंबर्स इनपुट कराओगे और आपको एंड में बताना है कि उन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा था. हिंट ये है कि जैसे आप नॉर्मली सोचते हो खुद कि आप कैसे निकाल सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ सम नंबर्स, लाइक इफ आई स्पीक सम नंबर्स इन एट द एंड आई आस्क यू कि ग्रेटेस्ट कौन सा है उसमें से, तो जो लॉजिक आप अपने दिमाग में लगा रहे हो उसी को आपको कोडिंग में लगाना है. सो थिंक ओवर इट एंड डू राइट द सॉल्यूशन इन द कमेंट्स इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर लूप. इफ येस, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट लाइक बटन देयर, शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. And by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.